घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा है का? चलिए कपड़ा उठाइए और हमारे सामने साफ कीजिए। जी बहू रानी। प्रभात काका, राजेश काका। अच्छा सुनिए, हम वहाँ नाई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप काम में ढील छोड़ दें। हाँ, इतनी दूर रहकर भी बखूबी कैसे घर संभाल रही है लड़की। अब चलिए अपना काम करिए, फास्ट फास्ट सब निपटाइए। और चंपा दीदी, आप वो अच्छे से फिनाइल से साफ कर दीजिएगा। वो जो कालीन है ना, उसे बाहर रख दीजिएगा धूप में, ठीक है? चलिए राजमाता जी, अब हम रखते हैं। अपना ध्यान रखिएगा बहू रानी, और जल्दी से वापस आइएगा। मुझे रानी को सब सच बताना ही होगा। रानी, मुझे बात करनी है आपसे। अरे आप? अरे क्या हुआ, दिखाइए मुझे। अरे कुछ नहीं, ठीक है। क्या ठीक है? अगर कुछ काम करना नहीं आता है आपको, तो करती क्यों है आप? और अगर करना ही है तो पहले ढंग से सीख तो लीजिए। आप हमको डांट कर रहे हैं। प्यार से कभी समझी है आप? हर बार गड़बड़ करती रहती है, और इस गड़बड़ में ना आप ही का नुकसान होता है। देखिए कितना खून बह रहा है अब। ओ, हम ये राजमाता जी के लिए बना रहे हैं। कल वापस जाना है ना, तो सारी तैयारी आज ही करनी होगी। वहां जाकर इसे छत पर अच्छे से सुखा देंगे हम। एक हफ्ते में तैयार हो जाएगा सबके लिए। और उसके बाद केवल राजमाता ही नहीं, सबकी सब चटकारे लगा के खाएंगे। ऐसा कड़क अचार बनाती है हमारी दादी अम्मा। एक काम करने को बोला था, वो छोड़ के तुम वहां पे रात गुजार रहे हो। हम पूछ सकते हैं क्यों? आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही जयपुर के लिए निकल जाऊंगा। फर्स्ट एड किट है घर पे? नहीं तो मैं कार में से लेके आता हूँ। एक मिनट, ये सब का चक्कर छोड़िए। वो जो मसाला वाला डब्बा रखा है ना वहाँ, वो ले आइए। नो, इस बार आपके मसाले वाला लेप नहीं लगाएंगे हम। अरे आप इतना परेशान काय हो रहे हैं, लाइए ना, लाइए। ठीक है। वो जो पानी रखा है ना, वो भी ले आइए। रुकिए, मैं खोलता हूँ। अब हल्दी लीजिएगा और उसमें 2 बूंद पानी। बड़ा ही कॉन्फिडेंस आ गया आप में। पहली बार जब खून देखा था आपने, बेहोश हो गई थी आप, पर अब? और अब तजुर्बा हो गया है। जिंदगी ने हमें दर्द को झेलना और सहना दोनों सिखा दिया है।